हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता किचन एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज आपके साथ करेले की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हाँ, ठीक सुना आपने, करेला और टेस्टी। बिल्कुल, करेले के हम इस तरह से आज बनाएंगे जो खाने के बाद बड़े तो बड़े बच्चे भी अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। चलिए देखते हैं कि आज करेला हम कैसे बनाने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को हिट करिए ताकि आगे आने वाली सभी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती। ये करेले ले लिए हैं मैंने, 500 ग्राम जैसे हैं। ये डार्क मतलब गहरे हरे और हल्के हरे दोनों तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक बड़े करेले को 3 पीस में और छोटे करेले को 2 पीस में काट लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर से हम ऐसे होल बना लेंगे, मतलब उसके अंदर का जितना भी गुदा या बीज होता है उसको निकाल के हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम सारे करेले को रेडी करके रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में हमने पानी 1.5 लीटर जैसा गरम करने के लिए या बॉईल करने के लिए बिठा दिया है। उसमें मैंने नमक और हल्दी 1 चम्मच जैसी डाली है और जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाता है तो उसमें हम सारे कटे हुए जो करेले हमने ऑलरेडी काट के तैयार करके रखे हैं वो सब उसके अंदर डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करके हम उसको ढक्कन लगा के 15 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि करेले सॉफ़्ट हो जाएं। और करेले जो हैं, क्योंकि मैं छीलती नहीं हूँ ऊपर का छिलका, तो इस प्रोसेस से थोड़ा उसका कड़वापन भी निकल जाता है। 15 मिनट के बाद आप उसको निकाल कर देखेंगे तो करेले बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाते हैं। और उसके मैंने 3-4 लाल मिर्ची जो अखी होती है वो भी डाल दी थी ताकि वो भी सॉफ़्ट हो जाएं। उसके बाद जब वो सॉफ़्ट हो गए हैं तो मैंने उसको करेले को सारा का सारा बाहर निकाल दिया है और लाल मिर्चियों को अलग कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हमें 3 लाल टमाटर, 10-12 लहसुन की कलियां और जो लाल मिर्च हमने बॉईल की थी उन तीनों को मिला के पीस लेंगे। इधर एक कढ़ाई लिया है, उसमें सरसों का तेल डाल के, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, जो भी तेल खाते हैं, उसको गर्म करने के बाद जो हमारे उबले हुए करेले के टुकड़े हैं उनको अच्छी तरह से डाल के हम फ्राई जैसा कर लेंगे। सारा कुछ हम एक ही बार में तेल में डाल देंगे और इसको फ्राई करने में हमें 5-10 मिनट तक हो सकते हैं। अच्छी तरह से जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसको तेल से बाहर निकाल लेंगे। फ्राई करते समय इसको हम थोड़ा बहुत बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। ये ऑलरेडी बॉईल हो चुके हैं तो ये सॉफ्ट ऑलरेडी पहले से हैं। खाली फ्राई करके करने से इसका टेस्ट जो है थोड़ा बढ़ जाता है। देखिए, ऑलमोस्ट अब ये फ्राई हो गए हैं तो हम एक कड़छी की सहायता से इस सारे करेले को निकाल कर एक बाउल में रख देंगे। अब अगर इसमें तेल बचा हुआ है तो हम इसी तेल का इस्तेमाल ग्रेवी बनाने के लिए लगाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा तेल और डाल देंगे ताकि हमारा जो कच्चा टमाटर, लहसुन और लाल मिर्चा हमने पीस के रखा हुआ है उसकी मदद से और थोड़े सूखे मसालों की मदद से हम एक अच्छी सी ग्रेवी बना सकें। चलिए, कढ़ाई में थोड़ा सा और सरसों का तेल लेके उसके अंदर 2 तेज़पत्ता की पत्तियाँ डालेंगे और जब थोड़ा सा गर्म हो जाए और तो उसमें जीरा और पूरा अखा धनिया डालेंगे। फिर थोड़ा सा हींग डाल के थोड़ा सा चलाने के बाद उसके अंदर 2 छोटे कटे हुए प्याज भी डाल के मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। अच्छी तरह से जब प्याज भून जाता है तो मैं उसके बाद उसके अंदर थोड़े से और सूखे मसाले भी डालूंगी। अब प्याज थोड़ा भुन गया है, मैंने इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च 1/2 पाउडर या आपके स्वाद के अनुसार इसमें डालिए। फिर इसमें 1 छोटा हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं और उसके बाद पूरे मसालों को अच्छी तरह से फिर से एक बार 30 सेकंड जैसा भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और जब मसाले अच्छी तरह से भून जाते हैं तब इसके अंदर 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर या खटाई डालकर उसको अच्छी तरह से इसके मसालों के साथ ही मिक्स कर लेते हैं। और जब इसको 1 मिनट जैसा हो जाता है भूनते हुए तब इसके अंदर जो हमारा टमाटर पिसा हुआ मसाला पड़ा है उसको इसके अंदर डाल दिया है और फिर उसको मैं अच्छी तरह से चलाती हूँ। उसके साथ ही
हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दिया है। ध्यान रहे कि नमक हमने पहले भी करेले को बॉईल करते समय डाला था। फिर इसको हम अच्छी तरह से भूनते रहते हैं। भूनते भूनते इसका पानी बिल्कुल सूख जाता है और ये ड्राई जैसा हो जाता है। तो फिर इसके अंदर हम थोड़ा और पानी डालकर एक बॉईल जैसा आने देते हैं। जितना ग्रेवी चाहिए आप उसके लिए इस समय वहाँ यहाँ पर रख सकते हैं। फिर हमारे फ्राई किए हुए करेले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और करेले को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। करेले का सारे करेले में पूरा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इसको भी मैं अच्छी तरह से चला के फिर इसमें थोड़ा अगर पानी और चाहिए हमें, क्योंकि जैसा भी आपको खाना हो रोटी पराठे या चावल के साथ उसके हिसाब से इसकी ग्रेवी को बनाइए। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट और ढककर फाइनली इसको और पका लीजिए। पकाने के बाद ये बिल्कुल ही खाने के लिए रेडी है। इसमें बस एक ही चीज़ बच गई है जो हमने अभी तक नहीं डाली है, वो गरम मसाला है। तो जब फ्रेंड्स ये पूरा अच्छी तरह से 10 मिनट में गल जाता है तो इसको खोलने के बाद मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला और धनिया पत्ता डाल के फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमारे घर में इस तरह से ही ये थोड़ा सा कम ग्रेवी वाला पसंद है जो रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। तो मैं इसको ही इस तरह से रहने दूंगी। अब इसमें थोड़ा पानी नहीं ऐड करूंगी फ्रेंड्स, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको सर्व कर लूंगी। सर्व करने में ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें जो हमने धनिया और लहसुन डाला है टमाटर की ग्रेवी में, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसको इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिए और यकीन मानिए सब लोग अच्छी तरह से करेले की सब्ज़ी मांग मांग के खाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आगे वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टे कनेक्टेड।